बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन रिसेंटली स्पॉट की गई पेरिस के एक खास समारोह में। खैर ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में काफी बढ़ चुकी हैं, आगे ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पास्ट से उनका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा और इसलिए बॉलीवुड की गलियारों में जब भी बॉलीवुड के कुछ बेहद ही ज्यादा लड़ाइयों के बारे में बात हो, बेहद ही ज्यादा शॉकिंग सेपरेशन की बात हो, ब्रेकअप की बात हो, तो ऐश्वर्या का नाम जुड़ा रहेगा सुपरस्टार सलमान खान से लेकर विवेक ओबरॉय के साथ। बॉलीवुड में आज बड़ी फिल्मों के लिए हमेशा तलाश देखने वाले विवेक ओबरॉय को भले ही बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे ऐश्वर्या का नाम हमेशा लिया जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के रिश्ते के बीच विवेक ओबरॉय का आना सलमान को पसंद नहीं आया था। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक के करीब आ गई थी, ये बातें सभी के बीच चर्चा में रही हैं। लेकिन विवेक ओबरॉय का ऐश्वर्या के साथ रिश्ता होना सलमान को बर्दाश्त नहीं था। इस बारे में खुद विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू में बड़ी ही हिम्मत के साथ बात की थी। उन्होंने बताया था कि सलमान ने उन्हें रात रात भर फोन कॉल कर उनके साथ करवाहट भरे रिश्ते को जन्म देते हुए ऐश्वर्या से उन्हें दूर रहने के लिए कहा किया था। खैर इस बारे में तो सभी जानते हैं। आज अगर बात की जाए ऐश्वर्या विवेक की लड़ाई के बारे में, सलमान खान के बारे में खुलासे करने के बाद विवेक और रॉय ने ऐश्वर्या के साथ भी दूरी बना ली। खुद ऐश्वर्या ने विवेक के साथ फिर कभी रिश्ता नहीं रखा था। जो सगाई तक करने वाले थे उनके बीच की कड़वाहटें फिर नहीं मिली थी। ऐसे में ऐश्वर्या से रिश्ता टूटने पर विवेक की करियर का ग्राफ भी जब नीचे जा रहा था तब उनका साथ देने वाली कोई और नहीं बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान थी, जिन्होंने एक दोस्त होने का फर्ज निभाया था। इसका कहना विवेक ओबरॉय का था। विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी थी कि करीना ने उन्हें प्रेशर दिया था कि वो शादी करे और उन्हीं के दबाव में आकर आगे जाकर उन्होंने शादी कर ली थी। शादी का दबाव परिवार वालों के अलावा करीना कपूर खान की तरफ से भी था। विवेक ओबरॉय की जिंदगी में जो बार बार करीना कपूर खान उनसे कहती थी कि एक अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो, बेबो की इस बात से वो बचने के लिए सैफ अली खान से भी सहारा लेते थे और वो काफी हंसते थे। लेकिन हंसी मजाक में करीना ने उनके सहन में ये बात डाला जिसके बाद विवेक ने शादी किसी और से रचा ली। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।